नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल All About Taxes पर। मेरा नाम है CM मनोज गुप्ता और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन सी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन चार्जेबल होती है, जिसमें हमने देखा था कि अगर हम कोई भी कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफर करते हैं और उस पर कोई भी प्रॉफिट या गेन अराइज होता है तो ऐसे में यह प्रॉफिट या गेन इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन चार्जेबल होता है, टैक्सेबल होता है। उसके बाद हमने देखा था कि कौन सी एसेट कैपिटल एसेट होती है, तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में बताया गया था कि सभी तरह की प्रॉपर्टीज, चाहे वह बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं, सभी एसेट्स, सभी प्रॉपर्टीज कैपिटल एसेट्स मानी जाएंगी। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जिनको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। उनमें बेसिकली आता है स्टॉक इन ट्रेड, जो भी स्टॉक होगा, जो भी आप बिजनेस में स्टॉक कैरी करते हैं, जिसकी आप सेल परचेज करते हैं, वह स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। क्योंकि उस स्टॉक को जब भी आप ट्रांसफर करेंगे, दैट मीन्स उसको सेल करेंगे, तो ऐसे में उस पर जो भी प्रॉफिट या गेन अराइज होगा वह इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन टैक्सेबल होगा। उसके अलावा अगर आप कोई भी पर्सनल इफेक्ट्स, दैट मींस कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो आप पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, वह पर्सनल इफेक्ट्स अगर आप ट्रांसफर करते हैं, सेल करते हैं, तो वह कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाएंगे। यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट है, वह इमूवेबल है, तो ऐसे में वह पर्सनल इफेक्ट्स नहीं माने जाएंगे, भले ही आप उनको पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ पर्सनल इफेक्ट्स ऐसे थे जो मूवेबल होते हुए भी कैपिटल एसेट्स माने जाएंगे, जिनमें बेसिकली ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट्स। तो ये सभी जो चीजें रहेंगी वो भले ही आप पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, उसके बावजूद भी वो पर्सनल इफेक्ट्स नहीं माने जाएंगे, उनको कैपिटल एसेट में कवर किया गया है। उसके अलावा अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और रूरल एरिया में आती है, तो ऐसे में यह एग्रीकल्चर लैंड भी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। यह सब ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम सेक्शन 2 क्लोज 14, जो कि बात करता है डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट की, उसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। According to section 2 clause 14, capital asset means property of any kind held by the assessee, whether or not connected with his business or profession. तो assessee के द्वारा जो भी property held की जाती है, वह business से connected है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह capital asset मानी जाएगी। तो कोई भी immovable property, चाहे आप उसको business में use कर रहे हैं या फिर आप उसका पर्सनल यूज कर रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में वह कैपिटल एसेट मानी जाएगी। या फिर कोई प्लांट एंड मशीनरी जिसको आप बिजनेस और प्रोफेशन में यूज करते हैं, वह भी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। कोई भी प्रॉपर्टी जो एसएससी के द्वारा हेल्ड की जाती है, वह कैपिटल एसेट मानी जाती है। उसके बाद कहा गया, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII व्हिच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज एज पर सेबी regulations बट does नॉट includes। तो यहां पर कहा गया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा अगर किन्हीं सिक्योरिटीज को हेल्ड किया जाता है, तो ऐसे में ये सिक्योरिटीज भी कैपिटल एसेट मानी जाएंगी। बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड होते हैं और वो अपना पैसा इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे FIIs के द्वारा अगर कोई भी सिक्योरिटीज हेल्ड की जाती है, तो यह सिक्योरिटी भी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। सिक्योरिटीज का मतलब यहां पर बेसिकली शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं। FIIs के द्वारा अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट की जाती है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में, कोई सिक्योरिटी हेल्ड की जाती है, तो ऐसे में यह सिक्योरिटी कैपिटल एसेट मानी जाएगी। उसके बाद कहा गया, बट डज नॉट इंक्लूड्स एनी स्टॉक इन ट्रेड
अदर देन सिक्योरिटीज रेफर्ड टू इन सब क्लोज बी। तो अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है तो वह कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, लेकिन यहां पर कहा गया अदर देन सिक्योरिटीज रेफर्ड टू इन क्लोज बी। क्लोज बी जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा अगर कोई सिक्योरिटीज हेल्ड की जाती है तो वह कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो अगर मान लीजिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा जो सिक्योरिटीज हेल्ड की जाती है वह उनके लिए स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड है, वो उसमें ट्रेड करते हैं तो भी वह कैपिटल एसेट मानी जाएगी। यहां पर जो स्टॉक इन ट्रेड को एक्सक्लूड किया गया है वो किया गया है अदर देन सिक्योरिटीज रेफर टू इन सबक्लोज बी। सबक्लोज बी में जो सिक्योरिटीज की बात की गई है उनके अलावा अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है तो वह कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। नंबर टू, पर्सनल इफेक्ट्स। तो अगर कोई पर्सनल इफेक्ट्स है दैट मींस कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं तो ऐसे में वो मूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी, भले ही वो एसएससी के द्वारा यूज की जा रही हो या फिर उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के द्वारा। के बाद कहा गया पर्सनल इफेक्ट्स एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग। पर्सनल इफेक्ट्स क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्रॉइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क्स ऑफ आर्ट। तो इन सभी को पर्सनल इफेक्ट्स में से एक्सक्लूड किया जाएगा, दैट मींस यह कैपिटल एसेट्स मानी जाएंगी। इनके अलावा अगर कोई और पर्सनल इफेक्ट्स है तो ऐसे में वो कैपिटल एसेट्स नहीं माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मोटर बाइक यूज करते हैं या फिर कार यूज करते हैं और वह आप पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं तो ऐसे में अगर आप कार या मोटर बाइक को सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उस पर जो भी आपको प्रॉफिट या गेन होगा वह इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि जो बाइक है, जो कार है, जो आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं वह एक मूवेबल प्रॉपर्टी है और एक पर्सनल इफेक्ट्स होने की वजह से वह कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी, और ऐसे में उस पर जो भी प्रॉफिट या गेन अराइज होगा वह इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद बात की गई एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया सिचुएटेड इन रूरल एरिया। तो एग्रीकल्चर लैंड अगर इंडिया में है और रूरल एरिया में सिचुएटेड है तो ऐसे में वह कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया है तो ऐसे में वह कैपिटल एसेट मानी जाएगी। यहां पर जो कैपिटल एसेट डेफिनेशन से बाहर किया गया है वो सिर्फ उन्हीं एग्रीकल्चर लैंड्स को बाहर किया गया है जो इंडिया में सिचुएटेड है और इंडिया के अंदर रूरल एरिया में सिचुएटेड है। तो मान लीजिए अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एरिया में आती है, शहरी इलाकों में आती है, तो वह एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट मानी जाएगी। सेक्शन 2 क्लोज 1A हमें बताता है कि अर्बन एरिया कौन सा एरिया कहलाएगा। इसमें बताया गया है एनी एरिया विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कंटोनमेंट बोर्ड एंड विच हैज ए पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 10,000 रुपीज। कोई भी एरिया जो एक म्यूनिसिपैलिटी के तहत आता है वहां की पॉपुलेशन कम से कम 10,000 है या उससे ज्यादा है तो ऐसे में वह एरिया एक अर्बन एरिया माना जाएगा। और ऐसे एरिया में अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है तो वह लैंड कैपिटल एसेट मानी जाएगी। उसके अलावा कुछ एरियाज और बताए गए जिनको अर्बन एरिया माना जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई एरिया किसी म्यूनिसिपैलिटी के तहत नहीं आता है, वहां पर कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है, कोई कंटोनमेंट बोर्ड नहीं है, तो ऐसे में उन एरियाज के लिए यहां पर कहा गया है कि अगर कोई एरिया किसी म्यूनिसिपैलिटी के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है लेकिन उस म्यूनिसिपैलिटी के ज्यूरिडिक्शन के 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, वहां की जो पॉपुलेशन है वह 10,000 से ज्यादा है लेकिन 1,00,000 तक है, 1,00,000 से ज्यादा नहीं है, ऐसे में इस एरिया में अगर कोई भी लैंड आती है तो वह लैंड अर्बन एरिया में सिचुएटेड मानी जाएगी। उसके अलावा कोई एरिया जो म्यूनिसिपैलिटी के तहत नहीं आता है लेकिन म्यूनिसिपैलिटी की जो ज्यूरिडिक्शन है उसके 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर वह आता है और वहां की जो पॉपुलेशन है वो 1,00,000 से ज्यादा है और 10,00,000 तक है, तो ऐसे में यह एरिया भी अर्बन एरिया माना जाएगा। और इसी तरह अगर कोई एरिया म्यूनिसिपैलिटी की ज्यूरिडिक्शन के
8 किलोमीटर के दायरे के अंदर आता है और वहां की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे में वो एरिया भी अर्बन एरिया माना जाएगा। और इस एरिया में जो भी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड होगी वो एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया मानी जाएगी और वो एक कैपिटल एसेट होगी। तो यहां पर मान लीजिए अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड किसी म्यूनिसिपलिटी ज्यूरिडिक्शन के तहत नहीं आती है और वह लैंड किसी म्यूनिसिपलिटी की ज्यूरिडिक्शन के 8 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं है, तो ऐसे में वह लैंड मानी जाएगी एक रूरल एरिया में सिचुएटेड है। उसके अलावा यहां पर बताया गया कि जो पॉपुलेशन है वह लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग ली जाएगी, दैट मींस जो भी लास्ट में जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ली जाएगी देखने के लिए कि वह एरिया अर्बन एरिया है या फिर रूरल एरिया। तो आप ध्यान रखें अगर कोई आपकी एग्रीकल्चर लैंड है और इंडिया में सिचुएटेड है तो ऐसे में आपको इनकम टैक्स के तहत देखना होगा कि वह रूरल एरिया में काउंट होगी या फिर अर्बन एरिया में। अगर वह रूरल एरिया में काउंट होती है तो ऐसे में वह कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी और उसके ट्रांसफर पर जो भी आपको प्रॉफिट या गेन होगा वह इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वह अर्बन एरिया में सिचुएटेड है और ऐसे में उसके ट्रांसफर पर जो भी प्रॉफिट या गेन होगा वह इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। उसके अलावा अगर कोई गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं जो कि इशू किए गए थे गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 के अकॉर्डिंग, अगर वो आपके पास है तो वो भी कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे और उनके ट्रांसफर पर जो भी आपको प्रॉफिट होता है गेन होता है वह इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैपिटल एसेट क्या होती है। यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन, सेल ऑफ ज्वेलरी बाय हाउसवाइफ। तो यहां पर हाउसवाइफ है जो अपनी ज्वेलरी सेल कर रही है तो ऐसे में क्या वो ज्वेलरी कैपिटल एसेट मानी जाएंगी? तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि हमने देखा था पर्सनल इफेक्ट्स में कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया गया था, उसमें से ज्वेलरी भी एक थी। पर्सनल इफेक्ट्स एक्सक्लूड्स ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। ऐसे में हाउसवाइफ के द्वारा जो भी ज्वेलरी बेची जाएंगी वो कैपिटल एसेट मानी जाएंगी और उस पर जो भी प्रॉफिट या गेन अराइज होगा वह इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। उसके बाद नंबर टू, सेल ऑफ ज्वेलरी बाय ज्वेलरी स्टोर। तो यहां पर ज्वेलरी स्टोर के द्वारा ज्वेलरी सेल की जा रही है तो क्या वे ज्वेलरी कैपिटल एसेट मानी जाएंगी? तो यहां पर आंसर है नो, क्योंकि हमने देखा था कैपिटल एसेट्स में से एक्सक्लूड किया गया था स्टॉक एंड ट्रेड को। तो जो एक ज्वेलरी स्टोर है उसके लिए जो ज्वेलरी है वो स्टॉक होती है और उस ज्वेलरी की सेल परचेज पर जो भी इनकम होगी वह इनकम अंडर दी हेड बिजनेस या प्रोफेशन टैक्सेबल होगी। उसके बाद सेल ऑफ कार बाय ए सैलरीड पर्सन। तो सैलरीड पर्सन है यहां पर, वह अपनी कार बेच रहा है तो क्या ऐसे में उसको कोई कैपिटल गेन होगा या नहीं? तो यहां पर सैलरीड पर्सन के द्वारा जो कार बेची जा रही है वह कार एक कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि पर्सनल इफेक्ट्स में हमने देखा था कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सनल यूज के लिए यूज की जाती है वह कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती है। कुछ एक्सक्लूजन्स थे उनमें कार नहीं आती है तो इसलिए कार यहां पर कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी और उस पर जो भी प्रॉफिट या गेन होगा वह इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद सेल ऑफ कार यूज्ड इन बिजनेस। यहां पर बिजनेस में कोई कार यूज की जा रही थी उसको सेल किया जा रहा है, क्या यह कार कैपिटल एसेट मानी जाएगी? इसका आंसर है यस, यह कार कैपिटल एसेट मानी जाएगी, क्योंकि हमने देखा था कोई भी प्रॉपर्टी जो एसएससी के द्वारा हेल्ड की जाती है चाहे वो बिजनेस में यूज हो या ना हो वह कैपिटल एसेट मानी जाती है और वहां पर जो एक्सक्लूड किया गया था सिर्फ पर्सनल इफेक्ट्स को किया गया था, दैट मींस मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और पर्सनल यूज के लिए यूज की जानी चाहिए। तो यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी तो है लेकिन वह किस पर्पज के लिए यूज की जा रही है? बिजनेस पर्पज के लिए। तो यहां पर पर्सनल पर्पज के लिए यूज नहीं की जा रही है तो ऐसे में यह कार एक कैपिटल एसेट मानी जाएगी। उसके बाद सेल ऑफ कार बाय कार शोरूम। तो कार शोरूम है जो अपनी कार सेल कर रहा है तो कार शोरूम के लिए यह कार स्टॉक इन ट्रेड है, ऐसे में यह कार कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी। उसके बाद सेल ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। तो यहां पर पर्सनल प्रॉपर्टी सेल की जा रही है तो हम यह मानते हैं कि यह प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ऐसे में यह कैपिटल एसेट मानी जाएगी। उसके बाद सेल ऑफ पर्सनल पेंटिंग। तो पर्सनल पेंटिंग यहां पर सेल की जा रही है तो यहां पर हमने देखा था पर्सनल इफेक्ट्स में
कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया गया था जिसमें बेसिकली पेंटिंग्स भी आती है, तो ऐसे में यह पेंटिंग भले ही पर्सनल यूज के लिए हो वह कैपिटल एसेट मानी जाएगी। सेल ऑफ पर्सनल टीवी, तो यहां पर पर्सनल टीवी सेल किया जा रहा है, तो जैसा कि हमने देखा था पर्सनल इफेक्ट्स में मूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सनल यूज के लिए यूज की जाती है वह कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती है, तो जैसा कि यहां पर टीवी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है और पर्सनल यूज के लिए यूज किया जा रहा है, तो ऐसे में यह टीवी कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा और इस पर कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ एग्जांपल्स थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि किसी एसेट्स को कैपिटल एसेट कब माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल गेन को लेकर और ढेर सारी बातें हम करेंगे। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।